नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर ग्रोवर। आज हम बात करेंगे, हमारी जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर की, उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या डॉक्टर साहब नाइटफॉल होने से शीघ्र पतन हो सकता है? देखो, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि नाइटफॉल बिल्कुल सामान्य घटना है। महीने के अंदर 2 बार होना या 4 बार होना बिल्कुल सामान्य है। यदि आपको होता है तो आपको बिल्कुल चिंता ले लेनी चाहिए। क्या होता है कि यंगर एज के अंदर, युवाओं के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है, पीक लेवल भी होता है। उस कंडीशन के अंदर उसका सीमेन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सीमेन उनके यूज तो होता नहीं है, तो थैली में पड़ा पड़ा सीमेन जब ज्यादा बढ़ जाता है एक प्रकार से, तो इजोकुलेट हो जाता है। तो ये बिल्कुल सामान्य घटना है। रही बात शीघ्र पतन के साथ में, शीघ्र पतन के साथ इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। यदि आपको महीने में 2 बार 4 बार हो रहा है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेनी चाहिए, इससे शीघ्र पतन नहीं होता। शीघ्र पतन बहुत अलग प्रॉब्लम है। यदि किसी पर्सन को सीमेन में यदि इन्फेक्शन हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें रेगुलर नाइटफॉल होता है, तो हम डायग्नोज करवाते हैं तो उनके अंदर सीमेन में कई बार इन्फेक्शन आ जाता है, तो उस केस के अंदर सीमेन में मान लो प्री मैच्योर इजेकुलेशन हो सकता है उनके अंदर। यदि आपको बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होता है तो डॉक्टर से मिलकर आपको डायग्नोज करवाना चाहिए। इसके अंदर सीमेन की रूटीन कल्चर, यूरिन रूटीन कल्चर करवा सकते हैं, इससे उस चीज़ को डायग्नोज करने में हेल्प मिलती है।